بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. दलाइल सबूत सब कुछ मिल जाने के बावजूद मसाला घर का इज्जत बड़ों की जा रही थी, इसलिए हस्बे आदत छोटे के सर पर मुसीबतें डाल दी जाती थी। तो उन लोगों ने अपना फायदा इसमें देखा कि यूसुफ को जेल में डाल दें, जब यूसुफ कैद में जाएंगे तो सुनने वाले ये महसूस करेंगे कि गलती थी, इसलिए कैद में गए। कैद में जाने वाला हर शख्स गलती पर हो ये जरूरी नहीं है, मासूम भी फंस जाते हैं। एक बादशाह को औलाद हुई, खुश हो जाकर सारे कैदियों को आजाद, शुक्रिया बादशाह जहां पना शुक्रिया जहां पना। एक बुड्ढा आया रहते, तू कौन बात, तुम्हारे दादा मुझे कैद करे सो। अरे रे दादा की नशानी भेजो न, पैसे वापस भेज। अच्छा ही करने जाको, उसका नुकसान होगा बेचारे का। तो ये चलता है जुल्म, ऐसा होता रहा है। भूल जाते लोग कि ताकतवरों का बड़ा ताकतवर बैठा है, देख रहा है, सुन रहा है, मजलूम की आह और अल्लाह पाक के दरमियान कोई चीज आड़ नहीं है। सीधे बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए, अर्श को आह पहुंच जाती है। रिएक्शन कब होगा ये अलग बात है। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बनाए, बैतुल मक़दिस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबा बनने के 500 साल बाद बैतुल मक़दिस की तामीर हुई है। ने बहुत पहले मस्जिद गिरी, फिर बनाई गई, फिर गिरी, फिर बनाई गई, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों फिर उसका काम हुआ है। ये है मतलब उसका। जैसे काबा जो है आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्तों ने बनाया, हजरत आदम ने बनाया, जुरहम ने बनाया और पता नहीं कौन कौन से कबीले ने बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 मरतबा काबे की तामीर हुई। दावा आका की उम्र 5-7 साल की थी उस वक्त, 25 साल की थी उस वक्त। तो काबे की तामीर का काम हुआ है। दीवारें गिर जाने से अल्लाह की अजमत में कमी नहीं आती, जहन में रख ले। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी मस्जिद, बाबरी शहीद होते ही मुसलमानों के ईमान कम, अरे मस्जिद को अल्लाह को कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा से जैसे हैं वैसे हैं। दुनिया की सारी मस्जिदें शहीद हो जाएं तो उनकी अजमत में कमी नहीं आती। वो फौरी जवाब देने वालों में से नहीं है कभी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जब बना रहे थे, एक झोपड़ी बुढ़िया की आ गई बीच में, कोने में थी वो। उसे बहुत समझाए दाऊद अलैहिस्सलाम, अच्छी इमारत, अच्छी जगह और अच्छी कंस्ट्रक्शन, नहीं मानी बुढ़िया। मजबूरन उसे इमारत बनाकर वहां उठाकर ले जाकर छोड़ दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया दाऊद तुम्हारे हाथ से ये काम नहीं हो सकता। अल्लाह के घर की तामीर में जोर जबरदस्ती, दूसरों की जमीन पर कब्जा हो ही नहीं सकता। अब दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह गलती हुई, मेरे बेटे के हाथों से मुकम्मल करा दे, कम से कम इत्मीनान हो जाएगा। हाँ
तुम्हारे बेटे सुलेमान के हाथों हो सकता है, तुम्हारे हाथों नहीं हो सकता। बिल्कुल नौशेरवान के जमाने में भी उनका अपना महल बन रहे थे। नौशेरवान वहां के ही ईरान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ही इंसाफ पसंद बादशाहों में से थे, बहुत बड़े इंसाफ पसंद। शिकार को गए, जानवर शिकार किए, भूनने का वक्त आया, आग जलाई गई, मालूम हुआ नमक लाने भूल गए। अब नमक के बगैर गोश्त तो बिल्कुल बेमजा है, इसलिए जल्दी भेजो किसी को, आसपास गांव कहीं मिले तो वहां से नमक लेकर आए बादशाह के लिए। तो जब जा रहा था वो लाने के लिए नमक, तब नौशेरवान ने कहा कि देखो पैसे देकर लाना। वजीर ने कहा जहां बना इतने से नमक में क्या हो जाता है, वो भी बादशाह के लिए। तो नौशेरवान ने कहा कि जुल्म की इब्तिदा ऐसे ही हाथ होती है, बढ़ते बढ़ते। अगर ज़बागे रईयत मलिक खुरत सेबे बरावरंद गुलामाने उ दरख्त तस्बीख बनीम बैजा के सुल्तान सितम रवा दारद जगंद लश्करी आनश हजार मुर बसीख। अल्लाह मसादी ने फरमाया कि अगर बादशाह रियाया के बाग से जबरदस्ती एक सेब तोड़कर जुल्मन खा ले तो उसके साथ रहने वाले स्पून्स जो रहते हैं वो बहुत सारे दरख्त जड़ से उखाड़ लेते हैं। मेरे बादशाह इजाजत दे दे घुसो। आधा अंडा अगर जुल्म करने को बादशाह जायज समझता है तो उसके फौजी हजारों मुर्ग को पकड़कर सीख पर लटका देते हैं, भून देते हैं। इसलिए जो बड़े होते हैं ताकतवर वो बहुत मोहतात रहे। सात किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, उसमें पहली नंबर पहला नंबर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बड़ा, इंसाफ पसंद बादशाह। बादशाह कहाँ है, हर घर में एक बादशाह होता है और वो बेटों के साथ कैसा इंसाफ करता है। वो शौहर जिसकी दो बीवियां हैं वो बादशाह होता है अपनी दोनों बीवियों के लिए, क्या इंसाफ करता है। एक बीवी है तो बीवी बच्चे बच्चियां नवासे पोते भाई बहने छोटी इनका वो बादशाह होता है, इनके दरमियान कैसा इंसाफ करता है या अपनी ताकत का इजहार कर लेता है। बड़ा भाई अगर बाप नहीं है तो बादशाह होता है, इमाम आदिल होता है। इंसाफ करे मेरे अजीजो दोस्तों, एक बात बताऊं मैं, लोग तवज्जो नहीं देते। किताबों में लिखा है कि आदमी मरता है सबसे पहला काम उसके माल से, मैयत के माल से कफन दफन का इंतजाम किया जाए। कौन करे, जो है वहां वो करे। दूसरे नंबर पर मैयत के जिम्मे कोई कर्ज है, सबसे पहले कर्ज अदा किया जाए। मैयत के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। वो जो कर्ज छोड़कर गया है उसकी जिम्मेदारी मैयत ने ली थी, उसने कर्ज लिया था कि मैं अदा करूंगा, इसलिए उसके माल से सबसे पहले कफन दफन का पैसा निकाला जाए, फिर कर्ज अदा किया जाए, फिर वसीयत उसकी कुछ है तो उसके माल के 1/3 पर वसीयत चलेगी। 900 रुपये छोड़ा है
तो 300 रुपये पर वसीयत चले, 9 करोड़ छोड़ा है तो 3 करोड़ पर वसीयत चलेगी, 1/3 पर। उसके बाद जो माल है उसे तकसीम किया जाएगा वारिसों में और असबा में। कब? मैयत को उठाने से पहले नहीं तो जो बड़ा रहता उन्हें दबा लेता, नहीं दबाए तो भी आहिस्ता आहिस्ता दब जाता माल। पहले पहले छोटे भाइयों की मैं निगरानी करता हूं करके, सब नहीं, नौज़ बिल्ला, कोई ये न समझे इसमें ऐसा भी इंसाफ पसंद होगा जो खुद को काट कर अपने छोटे भाइयों का हक अदा किया रहेगा, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 99% की बात कर रहा हूँ। इस मामले में उम्मत बहुत पीछे है, अभी गम है, गम में तकसीम करना है, तब बड़े भाई के दिल में नरमी रहती, छोटे भाई के लिए कुछ छोड़ कर देगा। उसके बाद उसे उसकी बीवी बच्चे नजर आते हैं, छोटे भाई नजर नहीं आते, या आते तो भी हैं तो उनका दर्जा कम नजर आता है। कोई जरूर, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है छोटे भाई के माल का क्या होगा, नहीं, वो अल्लाह ताला जिम्मेदार है। आप अपना काम करें, मुतय्यन कर दे हिस्सा, बिल्कुल बेकार है इस मामले में। और बड़े पर ही बड़ा अजाब उतरेगा कि तू जिम्मेदार था, जिम्मेदारी तुझे निभानी थी। वाकईतन कहता हूं बहुत ही गए गुजरे हैं इस मामले में लोग, और बड़े नेक कहलाने वाले भी वही आए। अब बच्चा जमा जमाया बिजनेस है, अगर इसे तकसीम कर देंगे तो टूट जाएगा, आप कौन होते हैं जिम्मेदार? अल्लाह का हुक्म है तोड़ो तो तोड़ो, बना बनाया घर है इसे बेचकर या इसमें दीवार उठानी पड़ी उठाओ। भाई के भाई से कुछ तकाजे भी हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह, शायर ने कहा है, और रहने तो कोई नुकसान नहीं। तकसीम हो जाता है माल तो मोहब्बतें बढ़ जाती हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क का उनको देगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नाबालिग बच्चा है आपका छोटा भाई या छोटी बहन, उसकी जिम्मेदारी है, निभाओ। उसके सर पर हाथ रखने से जितने बाल सर के आते हैं उतने गुनाह माफ होते हैं एक बार हाथ रखने से, वो अलग बात है। उसके माल को अपना माल समझ के मिला लेना बहुत नुकसानदेह है। बहरहाल एक मसला ऐसा है जिस मामले में हम लोग बहुत सुस्त हैं। जिंदा नामे फर्रुख नौशेरवा बादल गर्चे बसे गुजश के नौशेरवा नमान, नौशेरवा का नाम जिंदा है अच्छाइयों के साथ कि उसने घर को काट कर बनाया, बुढ़िया के झोपड़ी को तोड़ा नहीं, महल बनाया, कोने में बुढ़िया आ गई थी दीवार के साथ। एक जमाना गुजर गया है अब, लेकिन लोग आज भी उसके नाम को एहतराम के साथ लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अदी जब तशरीफ लाए, ईमान लाए, तो आपने उनका एहतराम फरमाया कि तुम्हारा बाप बड़ा सखी था, हातिम ताई तय कबीले का हातिम। तो वो जमाना था, उसी जमाने के थे नौशेरवान आदिल। जमाना गुजर गया, नौशेरवान तो नहीं रहा, खैरे कुने फुलानो गनीमत शुमार उम्र, जा पेश कर के बांग बराए फुला नमान। ए मुखातब, कोई अच्छाई कर ले तू भी, और जो मिली है जिंदगी उसे गनीमत समझ ले। और एक वक्त आएगा जब लोग बोलेंगे फुला नहीं रहा, फुला साहब चले गए, तो वो फुला साहब हम हैं, हम फुला साहब एहतियात कर ले, किसी का हक न दबाए। नहीं, इस्लाम ने तो ऐसा सिखाया कि हम देते थे लोग, अब पूरा मुल्क पूरी दुनिया
वो अट्टे हाथ में उठाकर हक मांगते हैं, हमें हमारा हक दिया जाए, हक देते हैं, हक छोड़ते हैं। ये इस्लाम ने सिखाया, इन्हें तो मालूम ही नहीं है हक छोड़ना किसे कहते हैं, दूसरों का दुख किसे कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं। नहीं, अपना हक मनवाओ, हमारा हक है कि हमें इतना ये दिया जाए, इतनी सहूलियत दी जाए, इतना माफ किया जाए हमें। हक मांगना नहीं है, हक छोड़ना है। वही सिरू नाला खुशीम वलऊ का नबीम खसासा वसीरा, अपनी जरूरत और सख्त जरूरत होते हुए दूसरों को खाना खिलाते हैं, दूसरों की जरूरत को पूरा करते हैं। ये सिखाया इस्लाम ने। और जहां मसला जुल्म का आता था तो उस वक्त एक औरत उठकर चीख पड़ती थी कि उमर कयामत के दिन मैं पकड़ूंगी, तुम ये गलत कर रहे हो। बादशाह में या बादशाह की फौज ने ऐसे ही शिकार के मौके पर एक बेचारी बुढ़िया की गाय पकड़ कर काट कर फौज ने खा ली। वो बेचारी पैसे मांगी तो पैसे भी नहीं दिए। उस बुढ़िया ने परेशानी से लोगों से कहा तो लोग ने कहा बादशाह अच्छे मिजाज का है, वो एक पुल है ना, उस पर से कल गुजरेगा शिकार से वापसी में, तुम वहां उसे पकड़ सकती हो। ये खड़ी इंतजार कर रही थी, बादशाह गुजरा तो उसने लगाम घोड़े की पकड़ा और कहा इस पुल पर फैसला कर लो या पुल सिरात पर फैसला करो। वो उतर कर कहने लगा देख मां, पुल सिरात पर फैसला करने की ताकत मेरे पास नहीं है, बोलते रहे क्या मसाला है। तो हम जो छोटे भाई का दबा लेते हैं वो पुल सिरात पर पकड़ेगा और कटकर हमें गिरना होगा जहन्नम की आग में। बिल्कुल नहीं, अल्लाह हमें जुल्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम और मजलूम की मदद करो, जालिम और मजलूम की मदद करो। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है करना चाहिए, जालिम की मदद क्या है? आका ने फरमाया जालिम की मदद ये है कि उसे जुल्म से रोको वरना वो जहन्नम में जाने वाला है। तुम्हारी ताकत इस्तेमाल करके उसे बचाओ जहन्नम की आग से। अब नजर नहीं आ रहा है, आप तो दोस्त हैं, आप तो दोस्त हैं, बोलो तू गलत कर रहा है भाई, तेरे भाइयों पर तूने जुल्म किया है, उनकी रोटी पर तूने मिट्टी डाली है, उनकी रोजी तूने तबाह की है, अपनी अना के लिए, अपनी बड़ाई के लिए तूने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। ये दोस्त समझा सकता है अपने दोस्त को जालिम को? इतना खतरा है। तो जुल्म तो आम था, उन्होंने फैसला किया ये यूसुफ को अब जहन जेल में डाल देना है, नाम भी खराब हो जाएगा, हमारी इज्जत भी रह जाएगी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इम्तिहान का एक दौर आया और जुल्म सहने का एक दौर आया। अल्लाह ताला हमें जुल्म करने से और जुल्म सहने से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, इंसाफ पसंद बनने की तौफीक अता फरमाए, लोगों पर एहसान करने वाला बनने की तौफीक अता फरमाए। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमा। परवरदिगार हमें ज़िंदगी में हमसे जो गुनाह हो गए, जाने अनजाने में हम समझते रहे कि ये सही है लेकिन वो गलती थी, ऐ अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा। हमें एहसास दिला कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई, हम लोग समझते रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं,
और तुझे तेरे हबीब को पसंद नहीं है, ऐसे काम हमने किए हैं। परवरदिगार हम इकरारी मुजरिम हैं, आपके सामने अपने जरायम का इकरार कर रहे हैं, और ऐ अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं। हमें माफ़ फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। ये मगफिरत का आशरा है परवरदिगार, रमज़ान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, मगफिरतें हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आइंदा जिंदगी और आइंदा दिन जो गुजरने वाले हैं परवरदिगार, उनको सही तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा। बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा, जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को और हमारी दुनिया को अच्छे हुक्मरान नसीब फरमा, अच्छे हुक्मरान नसीब फरमा। ज़ालिमों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आवाम का पैसा दबा लेने वालों से हिफाजत फरमा। खुसूसियत से वक्फ बोर्ड के लिए इलेक्शन हो रहा है, ऐ अल्लाह नेक परहेजगार जो ईमानदार है ऐसे को आने के रास्ते आसान फरमा। ऐ अल्लाह ऐसे को आने के रास्ते आसान फरमा। हमारे बड़ी बड़े बड़ी मेहनतों से वक्फ की ज़मीन लेकर छोड़ कर गए, ऐ अल्लाह उसे लोग खाने लगे, अपना माल समझने लगे। ऐ अल्लाह नेक लोगों को उस पर इंतज़ाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म की परेशानी से हमारी हिफाजत फरमा। सारे आलम में खुसूसियत से हिंदुस्तान में अमन कायम फरमा। सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। सारे आलम के मदारिस की हिफाजत फरमा। सारे आलम के मसाजिद की हिफाजत फरमा। हम में जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमा। बेघरों को घर अता फरमा। बेजोड़ों को जोड़ अता फरमा। बेऔलादों को नेक औलाद नसीब फरमा। परवरदिगार औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह हमारे घरों में भी दीन की हवाएं चला। ऐ अल्लाह हमारी औरतों को नमाज का शौक अता फरमा। जिक्र की लज्जत अता फरमा। तिलावत की हलावत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने लुत्फ़ करम से और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व अस्लिह लना मा काना फासिदा व सल्लि व सल्लिम मुबारक अला नबी मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।